हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। सो चलिए आज हम आपको क्लास 10 का चैप्टर नंबर 8.4 पे क्वेश्चन नंबर 5 समझाने जा रहे हैं। तो चलिए बिना देरी करें हम इसकी स्टार्टिंग करते हैं। तो दिया गया है प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व आर अक्यूट एंगल फॉर विच द एक्सप्रेशंस आर डिफाइंड। तो दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ पर जो क्वेश्चंस दिया गया आपको यहाँ पर मतलब एंगल 5 में कम से कम 10 क्वेश्चंस दिए गए। कितने 10 क्वेश्चंस। तो उन 10 क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो हम बारी बारी से सॉल्व करेंगे। बट उसमें जो दिया जा रहा है कि जो दिए गए ना एक्सप्रेशंस, इसमें जो एक तो ये इक्वल के साइड वाली जी LHS होती है और जी इस साइड वाली RHS होती है ना। तो जो तो आप सभी जानते ही होंगे। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इन दोनों का LHS = RHS प्रूफ करना है। आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो हमें LHS ले लेंगे या फिर RHS, इन दोनों में से कोई एक ले लो और उसको दूसरी साइड को प्रूफ कर दो कि जी डिजिट आ रही है या नहीं। तो ये डिफाइंड है, तो ये सही है, वरना ये नॉट डिफाइंड हो जाएगी। क्लियर। तो चलो इसकी स्टार्टिंग करते हैं बिना देरी करें। उससे पहले हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सौरभ मित्तल, आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ऐसे सरस्वती 10th क्लासेस में। तो चलिए लेट्स स्टार्ट नाउ। देखिए आपके सामने दिया गया कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में 1 माइनस के कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस के कॉस थीटा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम करते हैं LHS ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, LHS। दोस्तों LHS लेना आसान होता है, क्यों, क्योंकि अगर LHS देखो, जैसे कोई आपको मैं एक शॉर्टकट बता दूँ, कभी भी ऐसा बोला जाए दोनों को प्रूफ करो तो इनमें देखा करो कि इनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो सबसे बड़ा नंबर J है, बिकॉज अगर इसको आप प्रूफ करने जाओ तो जो आराम से निकल जाएगा। अब देखिए कितनी आसानी से LHS ले लिया हमने, जो कि दिया गया है cos sec थीटा। यहाँ पे ध्यान रहे, ये क्यों मत समझ लेना, ये थीटा है, थोड़ा कभी कभार फ्लो में बन जाता है, ध्यान रहे, पहले क्लियर कर देता हूँ, इसलिए मेरे बातों पे भी ध्यान रखना, ठीक है। cos sec थीटा माइनस के cot थीटा का होल स्क्वायर, क्लियर। अब हमें क्या करना है, इसको है ना तोड़ना है। तो इसको तोड़ने के लिए कुछ नहीं कीजिए, यहाँ पे cos sec थीटा का उल्टा क्या होता है, एक फॉर्मूला आपको पता है ना, फॉर्मूला कौन सा, cos sec थीटा इज इक्वल टू है 1/k sin थीटा, देन सेकंड फॉर्मूला cot थीटा इज इक्वल टू है, एक मिनट, cos थीटा अपॉन sin थीटा। तो ये फॉर्मूला आप लोगों को तो शायद पता ही होगा, नहीं पता हो तो देख लीजिए, ये एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को यूज कीजिए और इसको इसकी जगह पे डिनोट कीजिए, क्लियर। तो चलो किस बात की देरी, रख दीजिए फॉर्मूला 1/k sin थीटा, ब्रैकेट ओपन जैसी है वैसे ही रहेगा, cos थीटा अपॉन sin थीटा का होल स्क्वायर, क्लियर। अब क्या कीजिए, अब यहाँ पे इन दोनों का LCM ले लीजिए, क्लियर, LCM लीजिए, साइन थीटा आ जाएगा, साइन थीटा का डिवाइड इससे करिए कितना आएगा, एक एक का मल्टीप्लाई ऊपर से करिए कितना आएगा 1, माइनस ऐसा कैसा, साइन थीटा का डिवाइड इससे करेंगे कितना आएगा, एक एक का मल्टीप्लाई ऊपर से करेंगे तो कितना आएगा, कॉस थीटा उसका होल स्क्वायर। तो दोस्तों देखिए एक चीज़ तो हमारी हो गई, RHS में देखिए ऊपर वाली साइड क्या है, 1 cos θ, देखो आ गई 1 cos θ, एक बार तो आ गई, अब नीचे वाली निकालनी। तो चलो पहले नंबर इसको स्क्वायर जो दिख रहा है ना जी, इसको ब्रेक कर देते हैं। तो स्क्वायर को ब्रेक करने के लिए कुछ नहीं कीजिए, ब्रैकेट हटा दीजिए और 1 cos θ पर होल स्क्वायर आ जाएगा और नीचे साइन स्क्वायर थीटा, क्लियर। चलो अब क्या करना है, यहाँ तो 2 आ गए, अब हमें चाहिए और नीचे भी 2 ही हैं। तो एक काम करो, अगर आपको जरा सा भी ध्यान हो तो ये फॉर्मूला याद होगा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 - k कॉस स्क्वायर थीटा, याद है दोस्तों, ऑफकोर्स यार याद ही होगा, कैसे भूल सकते हो, इंट्रोडक्शन की वीडियो में कितना बढ़िया समझाया था। चल नाउ अब यहाँ पर 1 cos θ का होल स्क्वायर अपॉन में 1 - k कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे एक और फॉर्मूला अप्लाई कर दो, देखो a + b a - b इसका सुमे a² - b², क्लियर।
आप सोच रहे होंगे मैंने जे फॉर्मूला को लिखा। देखो जब साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे हम जे चीज लिख सकते हैं तो हमने क्या करा, लिख दिया पहले। अब उसके बाद देखो उसको, अब नीचे वाली संख्या को हमें पॉजिटिव चाहिए था बीच में और साथ में स्क्वायर हटाना है, ऊपर से भी स्क्वायर हटाना है, इसलिए हमने एक यहाँ पर ये बन है ना, बन बन का ऊपर कितने भी स्क्वायर क्यूब आप जो भी करोगे तो आना ही बन होता है, तो इसलिए बन को स्क्वायर मान लिया और कॉस स्क्वायर तो ऑलरेडी है ही, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको ए मान लो इसको बी मान लो, तो इसको इसके रूप में लिख सकते हैं, यानी कि वन माइनस के कॉस थीटा का होल स्क्वायर तो चल ही रहा है रनिंग में, लेकिन अपॉन में वन प्लस के कॉस थीटा यानी ए प्लस बी ब्रैकेट बंद, और वन माइनस के कॉस थीटा यानी कि ए माइनस बी, क्लियर। जिससे क्या होगा वन माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा कितने, दो, और यहाँ पे एक है, एक से एक कट गया तो बचा क्या, वन माइनस के कॉस थीटा अपॉन वन प्लस के कॉस थीटा, क्लियर। और जो हमारा आ गया आर एच एस, हैंस प्रूव यानी कि इति सिद्धम। तो दोस्तों देखा कितनी क्लैरिटी से हमने आपको ये क्वेश्चन समझाया है, अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए दोस्तों के साथ, शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए अब एक काम करते हैं, हम उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो चलिए आ जाइए नेक्स्ट पेज पर। तो देखिए दोस्तों आपके सामने दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट, जो कि दिया है cos a अपॉन में 1 प्लस के sin a प्लस वन प्लस के साइन ए अपॉन में कॉस ए इज कस्टमर टू सेट ए, यानी कि ये एल एच एस है और जो आर एच एस है ये इक्वल के बाहर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें इन दोनों को भी प्रूफ करना है ना। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें बड़ी साइड कौन सी दिख रही है, एल एच एस वाली, तो ऑफकोर्स एल एच एस वाला हम ले लेते हैं, लिखिए एल एच एस लेने पर देन रिटर्न इट कॉस ए अपॉन वन प्लस के साइन ए, थोड़ा क्वेश्चन इंटरेस्टेड है ये, ध्यान से देखिएगा, एक बार समझ गए तो फिर आपको है ना बार बार कभी किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्लियर। देखो कुछ नहीं है, छोटा सा ही है, बस एक बार कॉन्सेंट्रेट करके देखिएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या करें, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या चाहिए, टू सेक ए, उसके लिए पहले इसे एलसीएम लो, और एलसीएम लेके जो सेक ए चाहिए ना तो पहले एलसीएम ले लो, एलसीएम लेके एच पी कंडीशन बनाओ इसको सेक में बदल सकें, तो पहले एलसीएम लिया हमने, ठीक है। तो एलसीएम लेंगे तो क्या करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो सेम टू सेम ऐसे ही रख दो, वन प्लस के साइन ए, ज़्यादा क्रिटिकल मत करो बिकॉज ऊपर देखो ऊपर मल्टीप्लाई है क्या, नहीं ना, ऊपर सेपरेट ये ऐसी कैसी डिजिट दी गई है, तो सिंपल अपन को अगर इसको अगर मल्टीप्लाई में रख देंगे इसका अंदर एकदम डीपली आके अगर इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे ना तो इससे फ़र्क ये पड़ेगा, ऊपर हाल मल्टीप्लाई अपन करेंगे ना जब ऊपर किस तरह इसको गुणा करेंगे तो हाल आसानी से हो जाएगा। अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये दोनों अपन ने ऐसे मल्टीप्लाई करके एलसीएम ले लिया, अब इसका जो इस पूरे नंबर का डिवाइड सभी पे देंगे तो जी कट जाएगा और जी बचेगा कॉस ए, कॉस ए का ऊपर मल्टीप्लाई कर दो तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, प्लस कॉस ए का इसमें डिवाइड दोगे तो वन प्लस के साइन ए बचेगा, तो उसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दो तो वन प्लस के साइन ए का होल स्क्वायर बचेगा, क्लियर, होल स्क्वायर नॉट आ वन प्लस के साइन स्क्वायर। अगर कुछ कुछ बच्चे क्या करते हैं गलती कर देते हैं, इसलिए पहले क्लियर कर देता हूँ, क्लियर। अब देखो दोस्तों अगर आपको यहाँ पर कोई फॉर्मूला याद आ रहा हो तो बताओ, मेरे को तो याद आ रहा है यार, कौन सा फॉर्मूला, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, मेरे को तो ये याद आ रहा था तो मैंने बता दिया, यहाँ पे a इसको मान लूंगा मैं, b इसको मान लूंगा, इसको इस फॉर्मूले को हम इसे ब्रेक कर देंगे, क्या ब्रेक यानी तोड़ देंगे, तो कॉस स्क्वायर a प्लस ए स्क्वायर वन को माना तो वन का स्क्वायर तो वन ही होता है ऐसे छोड़ दो, बी स्क्वायर साइन ए को माना तो साइन स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस एंड टू ए बी, ए इसमें टू का मल्टीप्लाई से करोगे तो टू ही आना है, टू का मल्टीप्लाई से करोगे तो टू साइन ए आएगा अपॉन में वन प्लस के साइन ए, ऐसे ही ऐसे चलेंगे, क्लियर, ये डॉट है यानी मल्टीप्लाई, क्लियर। आप क्या करें, अब ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, यहाँ पर देखो एक फॉर्मूला लगेगा, कौन सा, साइन स्क्वायर ए
प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू में वन। क्या आंसर आएगा? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू में वन। आई समझ में? अब आप कहोगे कि यार ये फॉर्मूला कैसे लग रहा है, हमें जरा कुछ समझाएंगे। देखो मैं आपको अरेंज कर देता हूँ, ऊपर वाली डिजिट को जरा अरेंज करेंगे जरा। तो देखो ये साइन स्क्वायर है, इसको यहाँ कर लो, कि प्लस में तो कहीं भी कर सकते हैं ना यहाँ वहाँ, और कॉस स्क्वायर इसके बाद लगा दो, प्लस वन प्लस टू साइन ए अपॉन वन प्लस के साइन ए मल्टीप्लाई में कॉस ए, है ना। अब देखो ये साइन ए है और कॉस ए दोनों प्लस में ही है, इसलिए अगर बंद रख देंगे तो आधे कस्टमर चला जाएगा यहाँ से, चली जाएगा आपको कॉस। तो बस इसको क्या करो, उसको हटाओ, उसकी जगह पे बंद रख दो, प्लस में है ना, इसलिए यहाँ पर ऑलरेडी है ही प्लस का, टू साइन ए हो गया अपॉन में वन प्लस के साइन ए डॉट कॉस ए। ध्यान से देखना बच्चों, अगर कुछ भी गलती हुई तो आप लोग जिम्मेदार होंगे, क्योंकि अगर आप नहीं देखोगे तो फिर आप कहीं भी अगर इसे सॉल्व करोगे तो आप लोग कहोगे यार सर ने गलत समझाया। सर ने तो सही समझाया था, लेकिन बच्चे ही अगर ध्यान से नहीं सुने तो मज़ा नहीं आता। देखो हमें क्या लाना है, टू से आके इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ज़्यादा और मटेरियल से छोटा करना पड़ेगा। तो क्या करो, वन ओपन कितने होते हैं, टू प्लस टू साइन ए अपॉन वन प्लस के साइन ए और डॉट कॉस ए, क्लियर। अब देखो छोटे से लाइन यहाँ खींच लेते हैं, अगर जरा सी भी हम लाइन खींच लेते हैं जरा ऐसे 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 ऐसे, क्लियर। अब क्यों खींची, देखो बताता हूँ क्या करें। जो यहाँ पर डिजिट लिखी है इसको यहाँ ले लो, टू प्लस के टू साइन ए अपॉन में वन प्लस के साइन ए डॉट कॉस ए, क्लियर। यहाँ से टू कॉमन ले लो, टू कॉमन लोगे तो आपको पता ही था, मैंने एक रूल बताया था कल कि जिस भी संख्या को आप है ना कॉमन लेते हो उसी संख्या से उसे उस जगह पर डिवाइड मारा जाता है। अगर ऊपर दो को कॉमन लोगे तो आपको इसी जगह पर ही डिवाइड मारना है, ना कि नीचे। तो इसलिए दो का डिवाइड करोगे, यहाँ पर देखो टू कॉमन लिया तो दो का यहाँ पर डिवाइड जाएगा तो वन बचेगा, यहाँ पर दो का डिवाइड जाएगा तो साइन ए बचेगा, क्योंकि वन इंटू साइन ए होता है, हो गया ना। यहाँ पर देखो वन प्लस के साइन ए ऑलरेडी है ही नीचे, डॉट कॉस ए है ही, है ना। अगर आप गौर फरमाएं तो वन प्लस के साइन ए यहाँ मल्टीप्लाई में है और यहाँ भी मल्टीप्लाई में है, तो ऊपर नीचे कट सकता है। तो साइन वन प्लस के साइन ए से वन प्लस के साइन ए काट दो, ऊपर क्या बचेगा, टू मल्टीप्लाई वन अपॉन कॉस ए, है ना। अब देखो एक फॉर्मूला का बच्चों, अगर आपको याद हो तो मैं बता देता हूँ, कॉस ए इज इक्वल्स टू में क्या होता है, सॉरी इसको काटो, सॉरी माय मिस्टेक, हाँ सेक ए इज इक्वल्स टू में क्या होता है, वन अपॉन के कॉस ए, क्या होता है, वन अपॉन के कॉस ए। तो यहाँ पे देखो वन अपॉन के कॉस है ही, हैगा क्या नहीं, इसके सेक ए लिख देंगे, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो बस लो इस तरीके से ये हमारा आर एच एस आ गया, और इसी के साथ ये क्वेश्चन होता है सॉल्व। तो आपको अगर यह वीडियो पसंद आई है दोस्तों तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और अपना समर्थन हमें जरूर दीजिएगा। समर्थन का मतलब ये कि आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमें मोटिवेट भी होगा और आपका समर्थन भी मिलेगा, और साथ में हम आपको आगे इससे भी बढ़िया एक्सप्लेनेशन में यह वीडियो हम तैयार करेंगे। तो चलिए मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को गुड लक।